दोस्तों पहले जमाने में तो आपको पता ही होगा कि सालों लग जाते थे जमीन या पहाड़ के अंदर सुरंग बनाने में। अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल, ये वही ब्लास्टिंग एजेंट है जिसके जरिए बड़े बड़े पहाड़ों में ब्लास्टिंग करी जाती थी और सुरंग बनाई जाती थी। जब भी ये ब्लास्टिंग किसी पहाड़ पर करी जाती थी तब वहाँ लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता था। और केवल यही नहीं, हजारों लोगों को एक टनल बनाने में दिन रात मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन टनल बोरिंग मशीन के आने के बाद ये काम बहुत ही आसान हो गया। इस सिलेंड्रिकल मशीन को जब आप गौर से देखोगे तो आपको बहुत सारे कटर्स नज़र आएंगे। वो किसी भी रेत, मिट्टी या फिर चट्टानी पत्थर को चुटकियों में काट कर सुरंग बना लेते हैं। इस मशीन में आप 30 फीट से लेकर 60 फीट तक बड़े आराम से सुरंग बना सकते हैं। इस मशीन की ताकत देखकर आप भी हैरान हो जाओगे। इस मशीन के आगे 58 कटर लगे होते हैं और हर एक कटर 26 टन का फोर्स पैदा करता है। इसके एक ब्लेड की ताकत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 26 गाड़ियां एक साथ किसी पहाड़ या चट्टान से टकराएंगी तब जाकर ये उतना फोर्स पैदा कर पाएंगी। दोस्तों आइए अब ये जानते हैं कि ये मशीन सुरंग कैसे बनाती है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो, इस मशीन के आगे कुछ कटर्स लगे हुए हैं जो कि मिट्टी को काटने के साथ साथ चट्टान के पत्थरों को भी काट देते हैं। इसके बाद ये पत्थर कटर से होते हुए इस रोटेटिंग कटर के पीछे लगे हुए एक बकेट में गिरते हैं और ये बकेट इन छोटे छोटे पत्थरों को एक कन्वेयर बेल्ट में डाल देता है जो कि इस कटर के पीछे स्लॉट किया जाता है। इस मशीन में लगे ये कन्वेयर बेल्ट इन छोटे छोटे पत्थरों को इसी प्रोसेस के बाहर लगे कंक्रीट प्लांट में डाल देता है। लेकिन जहां पर इस मशीन का काम सिर्फ पहाड़ों को काटना ही नहीं है, ये मशीन इससे भी कई ज़्यादा काम करती है। इस रोटेटिंग कटर के ठीक 60 मीटर पीछे एक मशीन लगातार टनल की दीवारों पर लिक्विड कंक्रीट स्प्रे करती रहती है और इन कंक्रीट को वैसे तो शॉर्टक्रीट भी कहा जाता है। ये कंक्रीट मिक्सचर कुछ ऐसा होता है कि ये बस कुछ ही मिनट्स में दीवारों पर अच्छे से सूख जाता है और साथ ही में ये टनल को वाटरप्रूफ भी बना देता है। बस आप ये समझ लीजिए कि टनल सुरंग खोदने के साथ साथ प्लास्टर का काम भी इतनी बारीकी से करती है कि इसके बाद इसमें कोई भी फिनिशिंग वर्क की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद बारी आती है टनल की दीवारों पर बड़े बड़े कंक्रीट ब्लॉक्स लगाने की, और उसको लगाने के लिए बहुत ही खास तरह के ट्रक का इस्तेमाल किया जाता है। इस ट्रक को कुछ ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि ये बड़े बड़े कंक्रीट ब्लॉक को लेकर टनल के अंदर जा सके, और जैसे ही ट्रक इन कंक्रीट ब्लॉक को लेकर अंदर की तरफ जाता है तब टनल मशीन हाइड्रोलिक की मदद से इन बड़े बड़े ब्लॉक्स को उठाकर टनल की दीवारों पर फिक्स कर देती है। और ये सारा काम इसी मशीन के अंदर बने कंट्रोल रूम से किया जाता है जो पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड है। दोस्तों इस मशीन की कीमत 23 करोड़ रुपए है और अगर ये दिन में 20 घंटे काम करे तो ये एक दिन में 50 फीट की टनल खोद सकती है जो कि बहुत ही बड़ी बात है। और हमारे देश में भी जो आजकल मेट्रो लाइंस वगैरह बनाई जा रही हैं वो इन्हीं एडवांस मशीनों की मदद से बनाई जाती हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसी नॉलेज से भरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।